गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री स्वामी नारायण। सब्जेक्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर में चैप्टर 2 क्रिएटिंग चार्ट्स इन एमएस एक्सेल 2010। उसमें हमने चार्ट कैसे बनाते हैं, उसमें चार्ट की टाइप क्या क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है उनकी, और जो भी हम चार्ट रखना चाहते हैं वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से चार्ट बनता है और कैसे हमें डेटा एंटर करना है, ये सब हमने देख लिया था और आपने समझ भी लिया है ऐसा मैं मानती हूँ। अब हम लास्ट में पहुंचे थे स्पार्क लाइंस, वो भी मैंने आगे के वीडियो में समझा दी थी, आपको समझ में आ ही गई होगी। जैसे यहाँ पे नंबर लिखे हैं उस हिसाब से ये लाइन ऊपर नीचे हो रही है, समझ में आ गया था ना। उसके बाद आए आज लास्ट ऑप्शन है प्रिंटिंग अ चार्ट। अब प्रिंट निकालनी है, सब कुछ हो गया, चार्ट रेडी हो गया, अब उसकी प्रिंट निकालनी है। यू कैन इजिली प्रिंट अ चार्ट इंसर्टेड इन अ वर्कशीट, आप इजिली इसको प्रिंट कर सकते हैं। टू प्रिंट अ चार्ट द स्टेप्स आर एज फॉलो, इसके स्टेप्स क्या है। स्टेप 1 सिलेक्ट अ चार्ट, चार्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेप 2 क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन, फाइल में जाके प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रही फाइल और उसमें प्रिंट ऑप्शन। उसके बाद क्लिक ऑन द प्रिंट सिलेक्टेड चार्ट ऑप्शन, यहाँ पे प्रिंट सिलेक्टेड चार्ट, उसमें क्लिक ओके टू फाइनली प्रिंट द चार्ट। ओके करोगे तो चार्ट की ये रही प्रिंटिंग आ जाएगी, जो ग्रीन टाइप कलर में है वो है ब्लू, ब्लू ब्लू कलर के है वो हिंदी के मार्क्स से, ब्राउन है वो इंग्लिश के है और ग्रीन है वो मैथ्स के मार्क्स से, और यहाँ पे वो सबके नाम दिए गए। ये यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है उसकी अब प्रिंट निकलेगी। तो यहाँ पे कीबोर्ड की शॉर्टकट्स की दी गई है, जो आगे के वीडियो में हमें जान ली थी, ये आपको लिखना भी था बुक में, आपको आपने लिख भी लिया होगा। इसके बाद आज हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, फिर से इसको याद करते हैं। F1 की से क्या होगा, तो चार्ट इंसर्ट होगा, याद रखना। F11 की से चार्ट इंसर्ट होगा। इसके बाद अल्टर प्लस F1 से इंसर्ट चार्ट इन द एक्टिव वर्कशीट, जो भी आप वर्कशीट में काम कर रहे हो वहां पे अल्टर प्लस F1 करोगे तो चार्ट इंसर्ट होगा। उसके बाद कंट्रोल सी, तो ये तो सब आपको जान, सभी प्रोग्राम में इसका यूज, कंट्रोल सी यानी कॉपी। उसके बाद कंट्रोल वी यानी पेस्ट। चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में से आपको सही जवाब चूज करना है। उसमें फर्स्ट है चार्ट इज अ ब्लैंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो ग्राफिकल क्या आएगा, ग्राफिकल। चार्ट गेट्स ब्लैंक ऑटोमेटिकली विद द चेंज इन द डेटा अपडेटेड, आप चार्ट में कुछ भी डिफरेंट यानी कुछ भी मॉडिफाई करते हो डिफरेंट, तो वो खुद ही अपडेटेड हो जाएगा। उसके बाद द एरिया इन विच ऑल द चार्ट कॉम्पोनेंट्स आर फाउंड इज नोन एज ब्लैंक, तो प्लॉट एरिया। इसके बाद इच डेटा पॉइंट इज प्लॉटेड विथ अ ब्लैंक इन अ स्केटर चार्ट मार्कर, इन ब्लैंक चार्ट कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, वो कौन से चार्ट में है, तो कॉलम चार्ट में, आपने देखा ना यहाँ पे। ये रहा कॉलम चार्ट, ये है वर्टिकली। उसके बाद टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, विच चार्ट यूज द डॉट्स फॉर कनेक्टिंग द ट्रेंड्स इन द डेटा ओवर अ पीरियड टाइम, किसमें डॉट्स आते हैं लाइन चार्ट में। उसके बाद व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट नोन एज, तो कैटेगरी एक्सिस, हॉरिजॉन्टल में कैटेगरी एक्सिस होती है। उसके बाद विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यू ऑन अ चार्ट,
डेटा कहाँ रिप्रेजेंट होता है, तो वाई एक्सिस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स हैज द ऑप्शन फॉर मूविंग द चार्ट टू डिफरेंट डिफरेंट शीट में उसको मूव करके ले जाना है, तो कहाँ से होगा, डिजाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज अ विजुअलाइजेशन दैट कंबाइंस टू और मोर चार्ट टाइप इनटू अ सिंगल चार्ट। वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि दो तीन चार्ट को साथ में, तो वो है कॉम्बिनेशन चार्ट। उसके बाद है ट्रू फॉल्स, इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई अ चार्ट, टू फॉल्स नहीं, वो इजीली हो जाता है चार्ट मॉडिफाई करना। अ चार्ट के नॉट बी फॉर्मेटेड विथ इच ऑब्जेक्ट, फॉल्स, हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अ 3D चार्ट कंटेन्स टू वॉल्स एंड अ फ्लो, ट्रू। A chart sheet is the sheet in which the chart placed by default, false. A chart cannot be printed, तो false आएगा क्योंकि chart को हम print भी कर सकते हैं। उसके बाद है match the following, x axis तो horizontal axis, y axis तो vertical axis, F11 insert a chart instantly, हमने अभी आगे देखा था। डेटा सीरीज तो वैल्यू टू बी कंपेयर्ड, लीजेंड यानी अ यूनिक पैटर्न असाइन टू द डेटा सीरीज। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर, डज अ चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट इटसेल्फ इफ द वर्कशीट डेटा इज अपडेटेड। हम चार्ट में कुछ भी डालते हैं नया तो वो अपडेटेड हो जाता है, तो यस। नेम एनी टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, चार्ट के टू कंपोनेंट्स के नेम बताने हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये उसके कंपोनेंट्स हैं। डू वी नीड टू सेव द चार्ट सेपरेटली, चार्ट आप सेपरेटली सेव कर सकते हो, नो। हाउ मेनी डेटा सीरीज कैन बी देयर इन अ चार्ट, 255 डेटा सीरीज है। विच टैब कंटेन्स द ऑप्शन टू फॉर्मेट अ चार्ट, तो डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट, आप चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। कौन से टैब से, डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट, ये याद रखना। और ये जो एक्सरसाइज है आपको बुक में अच्छे अक्षर करके लिखनी है, ठीक है।